जय हिंद फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू डीटीडी क्लासरूम द वे ऑफ सक्सेस। तो फ्रेंड्स देखो आपर ओएसएस रे दुईट इंपोर्टेंट नोटिस जहाँ कि थंबनेल आपन देखि परथिबे कि एई दुईट विषय आज आलोचना करबे वीडियो रे। फर्स्ट देखिबा कि ओएसएस रो सीजीएल जो पोस्ट रे आसे छि 2021 रो। ओके तो सीजीएल पोस्ट रे कोन कोन पोस्ट रही छि, आपनकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोन माई छि, एज क्राइटेरिया एंड रिटन टेस्ट बा सिलेबस कोन रही छि, डिटेल्स रे सब किछि वीडियो रे आलोचना करबा। ता सहित जो माने एक्साइज सब इंस्पेक्टर होबा पई चाहु छथि अप्लाई करुछंती बा अप्लाई करिया पई इच्छुक अछंती, तो आपण माने पई मध्ये बहुत इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन दि रहइबो कि आपनकर कट ऑफ केते जाई पारे। ओके तो ऑल डिटेल्स रे देखिबा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखंतो आमे ओएसएस सीजीएल रो कथा चिंता करिबा। सीजीएल रो अप्लाई डेट स्टार्ट होई सारि छि जाहा कि रहि छि 12/3/2022। ओके स्टार्टिंग डेट रहि छि आपनकर 12/3/2022 रु, क्लोजिंग डेट रहि छि 11/4/2022 पर्यंत। ऑनलाइन पेमेंट फी मध्ये सेम रहि छि एंड सबु ओएसएस जे कोनोसी पोस्ट अप्लाई करा आपनको 15 डेज वा 10 डेज रे एंती रिलैक्सेशन थाय कि फॉर्म सबमिशन करिया पय। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपन रजिस्ट्रेशन करी प्रीव्यू करि नेबे, देन आपन पेमेंट पर्यंत करि नेबे। ता पर जदि आपन करि नहाती बा साइड स्लो होई जाय छि, आपन 22 अप्रैल पर्यंत फर्म सबमिट करेंगे। ओके ये थी ऑल टोटल डिटेल्स। तापर देखिए आम धीरे धीरे से तार डिटेल्स रे टोटल कौन रही आप एज कहतु एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड किपर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कर प्रोसेस फर्स्ट समस्त जानते बार बार सब भिड में कह भी कौन से आवश्यक ना मुझुच्छे कि आपने ओएसएस ऑफिशियल साइट जातु अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करेंगे। जो मैंने न्यू यूजर अच्छे न्यू यूजर एंड जदि आप रजिस्ट्रेशन पूर्व रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आईडी पासवर्ड रही देन आपने लॉगिन ऑप्शन करेंगे। ओके देन तापर रही री रजिस्ट्रेशन जो मानकर माने पूर्वर आपण कोनोसी पोस्ट पई ओएसएस रे अप्लाई करछन आपण लॉगिन आईडी पासवर्ड रही देन आपण माने री रजिस्ट्रेशन करि परिबे। ओके आ लॉगिन करी आपणकर री रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को जाई परिबे। देन रही छि देखिबा कि आपणकर एज क्राइटेरिया, एज तो समस्त जानिछन्ती कि आपणकर 21 रु 38। ओके 21 रु 38 इयर्स फॉर युअर कैंडिडेट। देन आफ्टर आपन रिलैक्सेशन रही है 5 इयर जो मैंने SC ST कि SC BC कि एक्सरिप्शन कैंडिडेट रही। ओके तो पोस्ट कथा जब चिंता करवा देखो ये हूँ टोटल पोस्ट कि आपंकर इन्स्पेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रही। ओके ऑडिटर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रही, ऑडिटर रही, ऑडिटर रही एंड इन्स्पेक्टर ऑफ टेक्सटाइल रही। ओके तो जब आम इन्स्पेक्टर कोऑपरेटिव सोसाइटी देखा तो सीटे आप देखते देखी पार्थे कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रही 127 जहाँ यूआर पर आप 55 नंबर ऑफ पोस्ट एंड तर आप 18 रिजर्व रही ओमेन मानी। ओके तो SC BC 24, ST 29 एंड SC 19 पोस्ट रही। ओके तो आपण मैंने स्क्रीनशॉट नहीं पारे कि आपको कौन अप्लाई करेंगे आपंकर जितेबाला आसी कि प्रिफरेंस देव आपारे। ओके ये हूँ ऑल टोटल डिटेल पोस्ट। ओके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रही आप देखिपे 233 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रही सीजीएल जैक कंबाइंड आप ग्रुप लेवल बी पोस्ट ये रही। ओके आपर एज मुझे स्टार्टिंग रू एज कही। ओके एज तो आपंकर रही है 21 रु 38 वर्ष या फिर रिलैक्सेशन रही। देन आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब चिंता करवा तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली आपण मैंने कौन कर दरकार ना ग्रेजुएशन पास आउट कर दरकार। ओके सिंपल आप डिग्री कोर्स कर इक्विवेलेंट फॉर ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स करप्लाई करेंगे। ए सैलरी कथा जब देखा सैलरी बहुत भले सर जेहतु ग्रुप बी पोस्ट। ओके तो 25,300 आपने इनिशियल अपॉइंटेड पाइबे, मतलब कि अंडर ट्रेनिंग ट्रेनिंग जो आप जॉइनिंग कर स्टार्टिंग आप 25,300 सैलरी। देन आपर आफ्टर 6 इयर आसी। ओके तो देन रोचे आपंकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। ओके देखो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिंपल लिखाई कौन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट मस्ट हैव बैचलर डिग्री फॉर एनी डिसिप्लिन, मतलब कि आपण जेकोसी जदि डिग्री कोर्स कर ग्रेजुएशन पास आउट कर देन आप्लाई करेंगे। ओके तो देन रही तो आप जानते जेनेल इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपने मस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होता दरकार, एबल टू स्पीक रीड एंड राइट ओडिया। ओके तो ओडिया गोटे लैंग्वेज गोटे सब्जेक्ट रही दरकार, सब सब एग्जाम रही। ओके तो देन रही है एग्जामिनेशन फी, तो एग्जामिनेशन फी आपको 200 टंका देवाई पड़ो। ओके देन आप सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। ओके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन समय आपर ऑनलाइन अप्लाई मुझे सब थे मैं कही रखी आपको आपसी पोस्ट अप्लाई करोसी पोस्ट अप्लाई कर फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओएसएस रो कॉपी रखु पाखे। ओके आईडी पासवर्ड भूली जाऊँ आईडी पासवर्ड को फॉरगेट तो करें कि टिपिक रखु आप जेकोसी पोस्ट अप्लाई कर एप्लीकेशन फॉर्म टी प्रिंट आउट को रखु। ओके देन आप SSC इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट पास मार्कशीट जहाँ रही आप रखा दरकार, प्लस टू डिग्री। ओके जेकोसी एग्नेस्ट कोटार जब आप अप्लाई SC BC SC ST कैटेगरी अप्लाई करते हैं तार सर्टिफिकेट रही दरकार दैट टू वैलिड। देन क्लास 7 कि एबव कि हाई स्कूल आप सब्जेक्ट रही दरकार, जब आप PWD कैंडिडेट अप्लाई करते हैं सर्टिफिकेट रही दरकार
आपण जेकोसी एग्नेस्ट आप्लाई करते आप सर्टिफिकेट पाखे रही दरकार देन आसीज प्लान ऑफ एग्जामिनेशन। ओके प्लान ऑफ एग्जामिनेशन कौन रही है ना दुईट पेपर आप एग्जाम देते फास्ट हूँ मैथमेटिक्स रीजनिंग जोटा कि 100 मार्क 100 क्वेश्चन आप वन एंड हाफ टाइमिंग रोक देन कंपोजिट पेपर जो ओडिया इंग्लिश जीके कंप्यूटर आसो 100 मार्क वन आवर टाइमिंग। ओके जोटा कि 100 मार्क 100 क्वेश्चन तो एथर मैं माइनस मार्किंग रही है 0.25। ओके चारोटी गोटे मार्क आम माइनस हो देन आउ किसी भी ना ये ना भाइबा रही ना पेपर टू रही कौन से डेस्क्रिप्टिव पेपर रही किसी भी ना ओनली 200 मार्क क्वेश्चन आसो जोटा कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत बढ़िया पोस्ट एंड बहुत भल एग्जाम प्लानिंग रही है आप प्रिपेरेसन स्टार्ट कर दिखाँ आफ्टर अल 1.5 टाइम्स मतलब कि 223 इंटू आम 1.5 टाइम्स करके ओके तो 350 समथिंग आपंकर आसीजे कौन जो मैंने कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आसीजे राइट तो ये हूँ तो एपं फास्ट अफ अल कौन करा पड़ो ना रिटिन उपर ही फोकस करवाई पड़ो। ओके जो मैंने ग्रेजुएशन रे जो कहते कि मुझे ना भल मार्क रखिपाले तो ओएसएससी कहतु जेकोसी डिपार्टमेंट कहतु ग्रेजुएशन लेवल पर सब पिलापी बहुत भल सुजोग रही जदि आप ग्रेजुएशन मैं कम मार्क रही आपलीजिबल हो पारे सिंपल ग्रेजुएशन पास मागे आपटिन टाक हिं फोकस करूँ फास्ट अफ। ओके रिटिन में भल मार्क सिक्योर करूँ 100% जब पाए आपर कि नहीं ओनली सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन रही आराम से करें तो टोटल सिलेबस जो देखा आम देखो मैथ्रे तो आम जाने मैथ्रे किसी कह दरकार नहीं मैथ्र प्रति सब्जेक्ट को आज बिट बै बिट पढ़ु सिलेबस को कवर करूँ रिजनिंग तो समस्त जीके जीएस जीके देखो मैथ रिजनिंग 50-50 100 मार्क आसगला मैथ रे टोटल सब्जेक्ट मुझे आउ गोटे भिडियो बनईदेवि कि कौर कौ टपिक्र बेसी फोकस करवा दरकार। ओके मैथ रिजनिंग तो एथे जा रखु कि मैथ तो आपको कम्प्लीट करने पड़ा रिजनिंग कम्प्लीट करने पड़ो ओडिया 20 मार्क आसीज देखो जहाँ सिलेबस देसी सेम फर्माट्रे ही क्वेश्चन आनी थाए तो ओडिया 20 मार्क्स 20 क्वेश्चन इंग्लिश 20 मार्क 20 क्वेश्चन तो जीके जीएस पर बेस टे फोकस करूँ जनरल नॉलेज पर कारण 40 क्वेश्चन 40 मार्क आसीज देन कंप्यूटर अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क तो ये आसीज 100 मार्क तो 200 मार्क क्वेश्चन टोटल सिलेबस रहा देखो इंग्लिश में आपको कह जीके कह तो कह कि आवश्यक ना समस्त कंपिटेटिव दौरान समस्त जानते कौ कौ टॉपिक रु क्वेश्चन आसे कौ कौ टॉपिक आपको कवर करा पड़ो तापर आपको सिलेबस को नहीं प्रति आप ओएसएस जहाँ भी पोस्ट आसी गोटे सिंपल आम करके टोटाल गोटे करमी सिलेबस कवर करापर नहीं मैं नेक्स्ट भिडियो नहीं आसूँ। ओके तो से चैनल सहित जोड़ी रुँ चैनल को सब्सक्राइब करते पाखे बेल आइकन मतलब देखते कि आपर सांगसाथी मतलब सेयार करने जमार भूलेंगे ना। ओके तो देन आसी जाऊँच देखो स्टेज टू में कही सारी 1.5 टाइम्स वैकेंसी 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को डाक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आफ्टर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन आउ किसी भी ना देखो लिखा जाइए देयर शैल बी नो वाइव अवेज स्टेट मतलब कि किसी भी ना सर्टिफिकेट वाइव अवेज ना कि आपंकर डेस्क्रिप्टिव पेपर आउ कौन रिटिन स्टेज टू किसी भी ना ओनली आपड़ी रिटिन फास्ट रिटिन क्वालिफाई कर भल मार्क सिक्योर करेन आपलीजिबल जब पारे। ओके तो समस्त को रिक्वेस्ट रोक कि समस्ते सिलेबस को कवर फास्ट अफ अल करूँ एंड रिटिन उपर फोकस करते आउ कौन भी ना आराम से जब पारे। ओके तो ये अल टोटल डिटेल्स प्लेस अफ डेट भेन्यू एक्जामेशन ये सब आप एडमिशन से लेटर जोटा कि एडमिट कार्ड आसीज। ओके आउ गोटे जिनस रही है ऑनलाइन एग्जाम हम ए सीवीआर मोड। ओके ऑनलाइन एग्जाम बहुत जल्दी कंप्लीट होवर चांसेस रोचे। ओके तो से आपठ प्रिपेरेसन स्टार्ट करनी। ओके तापर आ कि ना देन आसीज आपंकर सिलेक्शन लिस्ट गुड न्यूज समस्त मीठा बांटे मीठा खाइबे। ओके तो फ्रेंड्स ये थी ऑल टोटल डिटेल्स आपंकर जो मैंने अप्लाई करने चाहते सीजीएल 2021 जो कि ओएसएससी अंडर में आसवाक जाऊँगी। ओके ऑलरेडी आसी सारी तो या पर देखिए आम जो मैंने एक्साइज एसआई अप्लाई करप्लाई करने इच्छुक अच्छे आपंकर कट अफ के डिटेल्स में आपको कही रखी जो मैंने देखना वीडियो सेक्शन में देखिपारे कि तार कट अफ के जापे से आपको रखुच्छी तेज चलो देखिए कट अफ के जापर। ओके तो फ्रेंड्स आपने देखिपे ये हूँ ऑफिशियल नोटिस जो कि ओएसएस तरफ आसे जो मैंने 2019 2019 सब इन्स्पेक्टर ऑफ एक्साइज आप देखिपे सब इन्स्पेक्टर ऑफ एक्साइज 2019 जहाँ आ 34 पोस्ट। ओके तो 34 पोस्टर फाइनाल रिजल्ट आसी जोटा कि गोटे रिटर्न रही है आप 2021 जो जहाँ रही क्राइटेरिया सेम। ओके किंतु नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज रही के बर्त आसा प्रिपेरेसन आप 34 पोस्ट बर्तमान आसी सारी के 87 पोस्ट। ओके केवल पोस्ट टी अधिक रही आ सबकि सामान रही तो ये देखो जो मैंने कैंडिडेट सिलेक्शन होती तो से आदि कट ऑफ कथा देखिए देखो यूआर जाइए 84 आउट ऑफ 110 मार्क्स
ବୁଝିଲେ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ 90 ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର ବା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ, କଟ୍ ଅଫ୍ କମ୍ ଯାଇପାରେ, ଅଧିକ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଅଧିକକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପଢ଼ିଥିବା ଦେନ୍ ଆମେ କେବେ ବି ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ କମ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାହିଁ, ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ତ କମ୍ କଟ୍ ଅଫ୍ କାହିଁ ନଯିବ, ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଫେଲୁଅର୍ ହୋଇଯିବେ। କାହିଁକି ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଟ୍ ଅଫ୍ ତ ପୋଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। କାରଣ 2019ର ନୋଟିଫିକେସନ୍, ଆଜି ହେଉଛି 2022, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍, 38+5 ମତଲବ କି 43 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି, 2 ଇୟର୍ସର ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜବ୍ର ବହୁତ ଇନସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କି 90 ମାର୍କକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ୟୁଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ଓକେ, ତ SCBCର ପୋଷ୍ଟ, କୌଣସି ବି ପୋଷ୍ଟ ନଥିଲା 2019ର, ତ ଏଥର ମଧ୍ୟ SCBCର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ତ SCBCର 5-10 ମାର୍କ ରିଲାକ୍ସ କରିନେବେ। SC ST ର ଦେଖନ୍ତୁ, SC ର ଯାଇଛି 74, ST ର ଯାଇଛି 61, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10-15 ମାର୍କର ଡିଫରେନ୍ସ। ତ ଯଦି 90 କରୁଛନ୍ତି ୟୁଆର୍, ଦେନ୍ ଆପଣ 10-15 ରିଲାକ୍ସ କରି SC ST ପିଲା ସମସ୍ତେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଯେଉଁମାନେ 2019ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍, ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ 2021ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ 2019ରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମାଟ୍ ରହିଥିଲା, 2021ରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ଆପଣମାନେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖିପାରିଲେ, ଯାହାକି ପୁରା ଅଫିସିଆଲ, କୌଣସି ଫେକ୍ ନୁହେଁ। ତ ଏଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଚାହିଁଥିବ। 2021 ବ୍ୟାଚ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କର ସିକ୍ୟୁର କରିବାର ରହିଛି। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆଇ ହୋପ୍ କି ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର, ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।